नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सावन कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल सावन कुमार 1956 चैनल। दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से जो न्यू रूल्स आया है उसी के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो जो जो है मोनेटाइजेशन एंड कॉपीराइट क्लेम के बारे में। दोस्तों, ये 2019 में नया अपडेट किया, रूल्स ने फॉलो किया है यूट्यूब ने। और दोस्तों, वो आप जब भी इतना सभी जो है दूसरों का कंटेंट यूज़ करके अपने वीडियो में अपलोड करके जो पैसा कमाने का जो सोचते थे लोग, लेकिन दोस्तों आपका वीडियो में या 30 सेकंड का हो या मान लो दो सेकंड का भी हो या 1 मिनट का हो, तब भी जब मेन कंटेंट का जो ओनर होता था जब कॉपीराइट क्लेम देता था सामने वाला, तब भी उस वीडियो को या टर्मिनेट करना पड़ता था या उस वीडियो को हटाना पड़ता था। लेकिन अब वैसा नहीं है दोस्तों। अब यूट्यूब ने बहुत ही बड़ा सख्त हो गया है, क्योंकि 2019 में इतना अपडेट किया है, नया नया रूल्स ने किया है जो कॉपीराइट क्लेम आ गया, मोनेटाइजेशन और कॉपीराइट स्ट्राइक, रियूज कंटेंट। अभी जो है दोस्तों, जो मेन कंटेंट का किसी का भी हम या वीडियो अपलोड करके जो दूसरों का चुरा के जो वीडियो अपलोड करता था, लेकिन या छोटा सा भी अभी क्लिप यूज किया दूसरों का, तो सामने वाला जो है कॉपीराइट क्लेम दे या ना दे, यूट्यूब आपको आपके चैनल आपकी वीडियो को जो है डिसेबल जरूर कर देगा। ये यूट्यूब ने अपडेट आया है यूट्यूब की तरफ से। जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो आप नीचे जो हर एक वीडियो अपलोड करते समय आपको जो है एक ऑप्शन दिखेगा दो, अब दूसरों का अगर या वीडियो में आपकी वीडियो में जो कंटेंट है या नहीं है वो आपको तुरंत पता लग जाएगा। और थोड़ा सा भी दोस्तों आप एक मान लो 1-2 सेकंड का भी यूज किया है, तब भी आपको आपकी चैनल को डिसेबल कर सकता है यूट्यूब खुद, ये यूट्यूब की रूल्स किया है। क्योंकि दोस्तों जब इतना जो है रूल्स आए 2019 में, तो हम यूट्यूबर ने सभी यूट्यूबर ने जो वीडियो अपलोड किया, ये रूल्स आया है यूट्यूब की तरफ से, ये रूल्स आया है, लेकिन जो कॉपीराइट का जो मेन कंटेंट का जो हकदार होता था वो सारा अगर कॉपीराइट मिल गया तो वो सारा जो पैसा है उस ओनर के पास चला जाता था। लेकिन अब सामने वाला कॉपीराइट स्ट्राइक दे या ना दे, लेकिन यूट्यूब जो है अभी खुद यूट्यूब ने जो है चैनल को डिसेबल कर रहा है। और दोस्तों, मेरा कहना ये है कि आपका जो जो भी खुद का कंटेंट है तभी यूज कीजिए, नहीं तो दूसरों का जो भी क्लिप हो या ऑडियो क्लिप हो, सॉन्ग म्यूजिक जो भी हो रहा है मत अपलोड कीजिए, क्योंकि यूज मत कीजिए दूसरों का कंटेंट। अभी यूट्यूब ने बहुत ही सख्त हो गया है, नए नए रूल्स जो फॉलो कर रहा है, खुद ही फॉलो खुद यूट्यूब ने कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आपको ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों आप आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो आपको आपने इतना मेहनत करके यूट्यूबर बना है, वीडियो अपलोड करते हो, तो प्लीज़ आप जो है अपना खुद का जो है कंटेंट यूज़ कीजिए। और दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को भी दबाइए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।